Hi guys, welcome back to my channel Glam Up with Tanya. I hope you all are doing good. So today I am up with this blue and golden eye makeup look and ये आप किसी भी festival या फिर किसी भी occasion पर carry कर सकते हो. So yeah, अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने ये look कैसे create किया then please do watch this video till the end. और अगर आपको ये video पसंद है then please don't forget to like, comment and share this video with your friends. Also, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then please do subscribe to my channel guys. And also please press that notification bell button जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. And you can also follow me on Instagram. मेरा Insta handle आपको नीचे description में मिल जाएगा. So yeah guys, that's all for the intro. Now let's get into the video. आई एम स्टार्टिंग विद अ टोनर और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी टोनर. इसे मैं थोड़ा सा अपने पाम पर लूँगी और फिर अपने फेस पर डैप कर लूँगी. एंड गाइज, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ओपन पोर्स देन यू शुड नॉट स्किप टोनर बिफोर मेकअप. देन आई एम यूजिंग मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम और इसका मैं थोड़ा सा अमाउंट लूँगी और अपनी स्किन में इसे पुश कर लूँगी और अच्छे से इसे एब्जॉर्ब होने दूँगी. ये एक्ने स्कार्स या फिर पिगमेंटेशन को लाइटन अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स रोजिप फेस सीरम और इसकी मैं 3 to 4 ड्रॉप्स लूँगी और अच्छे से इसे अपनी स्किन में पुश कर लूँगी. इस सीरम को मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरम है. ये एक्ने स्कार्स को भी लाइटन अप करता है और स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोई बना देता है. नाउ आई एम यूजिंग मामा अर्थ्स एप्पल साइडर मॉइस्चराइजर और इसे मैं थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप्स पे लूँगी और अपनी स्किन में अच्छे से इसे एब्जॉर्ब होने दूंगी. एंड गाइज, इफ़ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइजर क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑयल फ्री है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ एनवे बे ब्लरिंग प्राइमर और इसे मैं अपने टी जोन पर फोकस करते हुए लगाऊंगी. बेसिकली जहाँ पर भी आपके ओपन पोर्स हैं आपको वहाँ प्राइमर अप्लाई करना है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस प्राइमर गाइज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल प्राइमर देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस प्राइमर. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है और एक लेयर फॉर्म कर देता है जिससे हमारा मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है. Now I am moving on to my base makeup and I am using this sugar drop the serum foundation in the shade 24 Veena and इसे मैं अपने face पर थोड़ा थोड़ा सा apply करूँगी with the help of the dropper and make sure कि आप अपने face के साथ साथ अपने neck पर भी अपनी foundation apply करें. and उसके बाद मैं अपनी foundation को dot dot करके spread कर दूँगी so that foundation evenly apply हो जाए. and then with the help of a damp beauty blender मैं अपनी foundation को अच्छे से blend कर लूँगी. make sure कि आप अपनी foundation को dabbing motion में blend करें. अगर आप उसको drag करके blend करोगे तो बिल्कुल भी natural look नहीं आएगी और बहुत ही ज़्यादा पैची लुक लगेगा. एंड देन आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर विच इज स्विस ब्यूटीज लिक्विड कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 02 सेंट सेबल. इसे मैं अपनी अंडर आइज पर, आईलेट्स पर, अपने चीक्स पर जहाँ मुझे एक दो एक्ने स्कार्स हैं वहाँ अप्लाई करूँगी. ऑल्सो मैं इसे अपने ब्रिज ऑफ दी नोज और फोरहेड पर अप्लाई करूँगी जो कि मेरे हाईलाइटेड एरियाज हैं. एंड देन मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी विद दी हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. एंड गाइज, यहाँ भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, मतलब आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके उसे स्क्वीज आउट करना है एंड देन आपको उस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है. नेक्स्ट टू सेट माई बेस आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन दी शेड 230 नेचुरल बफ एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पैक्ट गाइज. इसे मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ, आपने लास्ट क्लिप में देखा ही होगा. ऑल्सो गाइज, इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थी और बहुत टाइम से मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं डाल रही थी. सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर लुक ट्राई करूँ तो भी आप मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा. मैं फॉर श्योर उसका मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी. सो या कमिंग बैक टू दी वीडियो, कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लोरियल का मेकअप सेटिंग स्प्रे सो डेट मेरा मेकअप अच्छे से लुक हो जाए. एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ अनास्तासिया बेवरली हिल्स की आईब्रो पेंसिल एंड ये ड्यूप है. ये मैंने एक इंस्टा स्टोर से परचेज किया था काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में. सो मैं उस स्टोर का इंस्टा हैंडल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड गाइज, इस लुक में मैं काफ़ी ज़्यादा हैवली अपनी आईब्रोज को फिल इन नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी ओरिजिनल शेप के साथ ही जा रही हूँ. एंड गाइज, इसी पेंसिल के पीछे एक स्पूली भी आता है तो मैं उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूँगी. नेक्स्ट वी विल मूव टू आर आई मेकअप. सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी न्यूड आई शेडो पैलेट. ये भी ड्यूप है गाइज, मैंने सेम इंस्टा स्टोर से परचेज की थी. तो इसमें से मैं ये लाइट पिंक की शेड लेस पिक करूँगी और अपनी क्रीज सेट कर लूँगी विद द ब्लेंडिंग ब्रश.
नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और पहले मैं इसको थोड़ा सा वेट करूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि उसके बाद मैं ले रही हूँ SFR कलर्स की आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं पिक करूँगी ये ब्लू शेड, क्योंकि मुझे इस शेड को काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड शो करना है। इसलिए मैंने उस ब्रश को काफ़ी ज़्यादा वेट किया था मेकअप सेटिंग स्प्रे से। दो डेज आई शेडोज आर सो पिगमेंटेड गाइज, बट स्टिल मेरा पूरा आई मेकअप ब्लू और गोल्डन पे बेस्ड है, इसलिए मुझे इस ब्लू कलर को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करना था। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और इससे मैं अपने ब्लू शेड को अपने क्रीज के शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी सो डेट बिल्कुल भी शार्पनेस ना रहे। नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो इन दी शेड 01 गोल्ड गोडेस एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल गोल्डन शेड गाइज। तो यहाँ मैं इसकी वॉन्ड से इसे अप्लाई नहीं करूंगी, दो इसकी वॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इजीली आई शेडो अप्लाई हो जाता है, बट यहाँ मैं एक लिप फिलर ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी क्योंकि इससे काफ़ी ईजिली इनर कॉर्नर्स पर भी अप्लाई हो जाता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्क इज लिक्विड आई लाइनर इन दी शेड ब्लैक एंड इसकी हेल्प से मैं एक मीडियम विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सो टॉकिंग अबाउट दिस आई लाइनर गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई लाइनर। ये प्रॉपर मैट लुक देता है और इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल आई लाइनर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस आई लाइनर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB डीप इंटेंस कोल काजल इन दी शेड ब्लैक एंड आई डोंट थिंक गाइज कि कोई भी इंडियन मेकअप लुक काजल के बिना कंप्लीट हो सकती है। सो या अगर मैं बात करूँ इस काजल की तो ये काजल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी और इसमें आपको काफ़ी सारी कलर रेंज भी मिल जाएगी। मैंने इसमें अभी तक 3 शेड्स ट्राई करे हैं, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू शेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई मोर शेड्स टू। नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपरकर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा टू कर्ल माई लैशेज। सो गाइज यहाँ मुझे इस मेकअप लुक को काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखाना था तो आगे जाकर के मैं इसमें फॉल्सेस भी अप्लाई करूंगी, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फॉल्सेस तो आप मस्कारा के 2 कोट्स अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपको आईलैशेस में काफी अच्छी खासी वॉल्यूम मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर ब्रॉन्जिंग आई एम यूजिंग दिस SFR कलर कॉन्टोर पैलेट और इसमें से मैं ये ब्रॉन्जर वाला शेड यूज करूंगी और अपने यूजुअल एरियाज को ब्रॉन्ज करूंगी, जैसे मेरे चीक बोन, जो लाइन और फोरहेड। सो टॉकिंग अबाउट दिस पैलेट, ये भी मैंने सेम इंस्टा स्टोर से ली थी और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज। ये आपको 200 रुपीज़ में मिल जाएगी और इसमें आपको 4 शेड्स मिलेंगे, एक ब्रॉन्जर का, 2 ब्लश के और एक हाईलाइटर का, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड डील। सो नाउ फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस स्टेक वर्क इज न्यू लॉन्च विच इज दिस चीकी गर्ल्स ब्लश इन दी शेड कोरल चिक 5। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर पीछे पिंक शेड है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी इट्स डिटेल्ड रिव्यू देन मैंने अभी पर्पल होल की थी, उसमें मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू किया था गाइज, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक डेट वीडियो आउट, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर विच इज दिस मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर इन दी शेड 100 मोल्टन गोल्ड एंड इसे मैं अपने यूजुअल एरियाज पर अप्लाई करूंगी, जैसे मेरे चीक्स, फोरहेड और ब्रिज ऑफ दी नोज। एंड टॉकिंग अबाउट दिस हाइलाइटर गाइज, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस हाइलाइटर आउट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिंपल सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है और ये नॉर्मली आपको 350 to 400 के बीच में मिल जाएगा, शायद इसका एक्चुअल प्राइस 550 रुपीज़ है। एंड सेम हाइलाइटर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पर भी अप्लाई करूँगी, जिससे मेरी ब्राउज काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड लगे एंड यहाँ मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं अगेन SFR की आई शेडो पैलेट लूंगी और सेम स्काई ब्लू शेड लूंगी और एक स्मजर ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन में इसे अप्लाई करूंगी। मेक श्योर गाइज कि यहाँ पर आपको काजल के साथ इसे स्मज नहीं करना है, वरना शेड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो हमें बस इसको अपने लोअर लैश लाइन पर प्लेस करना है। सो नाउ फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग NYB लिक्विड लिपस्टिक रनवे रेंज इन दी शेड सोहो ट्रेंडी स्टाइल 3। नेक्स्ट मैं इसी के ऊपर अप्लाई करूंगी हुडा ब्यूटी की ड्यूप इन दी शेड शुगर मामा। सो मैं ये शेड इसलिए अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि मुझे इस शेड को थोड़ा सा टोन डाउन करना था, एज मेरा आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा हैवी है, सो मुझे कोरली पिंक लिप शेड ही चाहिए था। सो मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर ली हैं एंड यहाँ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो या डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।